यकीन करें, सारा और आयद अगर एक हो भी गए तो वो खुश नहीं रह सकेंगे। ये बात आप अब क्यों कर रही हैं? पहले करनी चाहिए थी। मैं बस मम्मी जी की खुशी के लिए खामोश थी, लेकिन अब क्या हो गया? आपने देखा नहीं, माँ पारा ने रायत को जेलस करने के लिए सुहेल को मोहरा बनाया है। सुहेल को बच्चे तो नहीं है जो मोहरा बन जाएंगे, उनका अपना भी कोई मफाद होगा इसमें। यकीनन होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि शौहर की बेवफाई का जो तो मैं सह रही हूँ वो सारा भी बर्दाश्त करे। बस इसीलिए सोचा कि आप लोगों को सच्चाई बता दूं। और इसमें आपका क्या फायदा है? मैं झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर सारा और आयत की मंगनी टूट गई तो माँ पारा को अपनी मोहब्बत हासिल करने का एक और आसरा मिल जाएगा, और वो सुहेल को छोड़ के रायत को पाने की कोशिश करेगी। अगर उसे रायत को ही पाना होता तो वो सुहेल के साथ अपनी शादी का ऐलान क्यों करती? उसने ये सब रायत को टीज करने के लिए किया, और अगर उसने सुहेल से शादी कर भी ली तो वो एक ना एक दिन रायत को अपने ऊपर माइल कर ही लेगी। हो सकता है तब तक रायत की शादी हो चुकी। शादीशुदा तो सुहेल भी है। एनीवेज, मेरा काम था आप लोगों को बताना, आगे आप लोगों की मर्जी, आपकी बेटी है, आप लोग चाहें तो उसके लिए अच्छा फैसला कर लें और चाहें तो उसके सर पे भी वही तलवार लटका दें जो मेरे सर पर होती है। मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज़।